स्टूडेंट माय नेम इज कमलदीप सिंह नेजर, वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं सेकंड एक्सरसाइज ऑफ अलजबरा, हम कर रहे हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कर रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन बच गया था जिसे डिस्कस करना हमें जहां पर चाहिए, तो ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप सेम फंडा के साथ कर सकते हैं। तो चलिए एक प्यारी सी स्माइल करें और लेट्स स्टार्ट दिस एग्जाम्पल। क्या करना है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। कब करना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अभी एक्स हमारे पास उन्होंने एक नंबर है, तो हम x की कोई भी वैल्यू उठाएंगे तो रैंक क्या आएगा, दिस इज द फंडा। मीन x की जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं सारी की सारी यूज करनी है और रैंक हमने बताना है, तो दिस इज द क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, सिंपल, हमें जो फंडा था लास्ट टाइम है कि हमें इसके ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे और ट्राई टू मेक एज मैक्सिमम एज पॉसिबल जीरोज इन दिस गिवन हमारे पास जो भी है मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले टारगेट करेंगे जहां पर वन है, तो वन की हेल्प के साथ मेरे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है कि मैं इसे जीरो कर सकता हूं, इसे जीरो कर सकता हूं, जीरो, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या होगा कि मैं R2 के ऊपर हम लगाएंगे R2 माइनस R1 करके, फिर R3 पर लगाएंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। प्यार से करना, ऐसे मत करना, मतलब थोड़ा सा प्यार से इसको, मतलब कहना कि हम आपको कैंसिल करने वाले हैं। तो यहां पर R3 है और ये सॉरी हमारे पास R4 है और इसके ऊपर करना हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, सो R4 माइनस 3 इंटू R1। सो लेट्स स्टार्ट, देख, let's see what happened, and there's this what, this is the equivalent matrix, this is not the equivalent, this is the equivalent sign aa jayega। to pehle aapke paas same rahega 1 1 1, ab aapne isko minus kar diya hai, 0 aa jayega, minus karo 2 aa jayega, minus karo minus 3 aa jayega, minus karo x minus 1 aa jayega। dhyan se 2 se multiply karke karo, 0 aa gaya, 2 se multiply karke minus karenge तो हमारे पास माइनस के 4 आ जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके करो तो माइनस एक्स माइनस के 4 आ जाएंगे, एंड 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो 3x माइनस के 3 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो, 0 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो, ध्यान से सुनना, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है तो 2 माइनस 3 तो एक्स माइनस 1 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो जहाँ पर माइनस के 6 आ जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो आपके पास 2x माइनस 2 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद आप इस 1 की हेल्प के साथ इन नंबर्स को जीरोस कर सकते हैं। कैसे, आप कॉलम पर ऑपरेट करेंगे, C2 पर करेंगे C2 माइनस C1, C3 पर करना C3 माइनस C1, एंड C4 पर भी कर देना C4 माइनस C1। तो आपके पास जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएंगी, इसका साइज बहुत बड़ा है तो मेरे को बार बार लिखना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वलेंट टू व्हाट, आपके पास यहाँ पर 100 हो जाएगा। बाकी सारे के सारे मैट्रिक्स को आपने जल्दी से बिना देखे सॉल्व कर देना है। अब थोड़ी सी इसमें के अंदर हम अपना टच भी देंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन टच जिसे कहते हैं, जहाँ पर कोई चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है, एज इट लिखने दो इसको। 2 है आपके पास, माइनस का 3 है और एक्स माइनस का 1 है। इसे आप कैसे लिख सकते हो, इसे आप कैसे लिख सकते हो, हमारे पास 2 कॉमन ले ले जहाँ से, यदि हम 2 कॉमन लेते हैं जहाँ से तो जी हमारे पास बनता है x माइनस 2। ध्यान से देखना, 2 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बच गया। इसके अंदर क्या करें, इसे एज इट रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास माइनस का x माइनस का 4, इसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट रहने दो, ठीक है। 3x माइनस 3, मैंने ऐसा क्यों करा, 2 कॉमन क्यों लिया, बिकॉज नेक्स्ट टाइम हम इसके साथ ऑपरेट करने वाले हैं तो मेरे को पता हो ना जहाँ पर 2 है तो जहाँ पर x माइनस 2, इसको x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे एंड वी विल मेक इट अ 0। सिंपल सा फंडा है बिहाइंड इट। उसके बाद जो हमारे पास है लास्ट वाला, तो ये भी हमारे पास एज इट है, x माइनस का 1 है, ठीक है। ये हमारे पास कितना है, माइनस का 6 है, ओके। एंड दिस इज व्हाट, जहाँ से आप 2 को कॉमन ले सकते हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, दिस इज व्हाट, नहीं दो कोई बात नहीं, 2x माइनस 2 है। तो जहाँ तक आप देख लो, मैं एक बार चेक करता हूँ कि आपको विजिबल है साइज से करना। आप प्यार से करते हैं, सबसे पहले क्या है, R3 के ऊपर चलते हैं। मैंने इसीलिए जहाँ पर 2 कॉमन निकाला था कि हम R3 में से माइनस कर देंगे, ये तो 2 है, जहाँ पर x माइनस 2 फैक्टर, तो इस 2 को मीन x माइनस 2 इंटू R2 करके। सो ध्यान से देखना, ऐसे हमने माइनस करा, जहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 2, इसको भी x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, सुन रहे आपको ना। तो उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर कैसे करें, इसको भी करते हैं कुछ ना कुछ इसका भी, और R4 है जी हमारे पास, थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ,
अब क्या करें, जहाँ पर 2 है तो इसको ना वो हम कहते हैं कॉफिशेंट को सेम कर लेते हैं, लाइक इस नंबर को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 2 से, तो इसका मीनिंग 2 इंटू आर 4 कर लेंगे, और माइनस इसको किसके साथ करेंगे, x माइनस 1 के साथ, और उसमें से हमने r2 को माइनस कर देना है। तो ध्यान से ये स्टेप आपने बहुत ध्यान से करना, यदि आप इसको 0 बनाना चाहते हैं तो ये दोनों सेम होने चाहिए। जहाँ पर देखना 2 इंटू एक्स माइनस 2 थे, जस्ट x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये सेम हो जाता, लेकिन जहाँ पर 2 है जहाँ पर ये नंबर, तो इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ कर लो, तो हमने ऐसा ही करा, दोनों को माइनस कर दो, हो जाएगा। अब ध्यान से करते हैं आंसर क्या आएंगे हमारे पास, ठीक है। मैं अपनी ओर से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा आपको, और बाकी जो भी होगा देखा जाएगा, ध्यान से करते हैं। तो हमारा जो r2 को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2 माइनस 3 एक्स माइनस 1, और फट्टे चक देंगे हम यहाँ पर। जहाँ पर इस ऑपरेशन को देखना है तो डायरेक्ट आपको पता ही है कि यदि आप इसको एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये तो आपका 0 होने वाला है। उसके बाद ध्यान से करना, उसके बाद हमें स्पेस चाहिए, यहाँ पर है माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। अब आप क्या करने वाले हो, इसको x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना चाहते हो, तो ध्यान से जहाँ पर देखें आपके पास क्या रहा है, r2 की वैल्यू है माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, तो जहाँ पर आपके पास 3x हो जाएगा, एंड माइनस का आपके पास चला जाएगा 6। तो थोड़ा सा ध्यान से करना, इसको x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा, तो मैं इसको लिख देता हूँ, इसकी आप वैल्यूज निकाल कर रख लो, कितनी वैल्यू बनती है इसकी, ठीक है। यदि हम करते हैं यहाँ पर, और हमें माइनस करना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3x माइनस का 6, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और क्या करेंगे, इस नंबर से मेरे पास स्पेस कम हो चुकी है, यहाँ पर यार दिक्कत आएगी, 3x माइनस 3 है, तो मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ, ठीक है जी। हमने क्या लिख लिया, हमने आर 3 की वैल्यू लिख ली। अब माइनस इस नंबर को x माइनस 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना, और फिर हमने जहां पर इसको क्या करेंगे, माइनस करने वाले हैं, तो यहां पर आपको दिक्कत होगी कुछ, इसको हम क्या करें, अलग से करके देखें इसे आंसर को, थोड़ा सा मैं इसको अलग से कर देता हूं बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं है, तो इसे हटाते हैं, उसके आंसर डायरेक्ट करेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो एक ही एग्जाम्पल होगी, लेकिन ये अच्छी एग्जाम्पल है, एग्जाम में आ सकती है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अब इसकी वैल्यूज यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं, आपके पास आपने क्या करना है, हमने करना है आर थ्री माइनस एक्स माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू निकालनी है, और इस नंबर को भी मैं हटाता हूँ जहाँ से, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है, आप भी डायरेक्ट आंसर पीछे से लिख लेना, तो हमारा थोड़ा सा अच्छा रह जाएगा। ओके, चलने वाले हम आर थ्री माइनस इस नंबर की जो वैल्यू जहाँ पर आएगी, जो जहाँ पर आएगी उसको आप अलग से कर लीजिएगा सॉल्व। तो अलग से करने का वे क्या है कि मैंने जहाँ पर लिख दिया फॉर्मूला जो हमारे पास हम रेट अपडेट कर रहे हैं आर थ्री माइनस एक्स माइनस 2 इंटू आर 2, तो आर थ्री की जो वैल्यू है इस पोजिशन पर, आर थ्री की वैल्यू है माइनस एक्स माइनस 4, उसको लिख लो बेटा जी, यहाँ पर माइनस का साइन लिख लो, जहाँ पर x माइनस 2 लिख लो, जहाँ पर r2 क्या हमारे पास अभी माइनस का 3 है, तो इसको जस्ट ओपन करें, ध्यान करें जहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 3x हो जाएगा, और माइनस का 6 सॉल्व करेंगे 2x माइनस 10 होगा, फिर से सॉल्व करेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 5, तो दिस इज व्हाट, तो ये आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस 5 बच जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इस पोजिशन की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो दिस इज व्हाट, हमारे पास ये कौन सा है, 3x माइनस 3 हमें दिया हुआ है, हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस लगाना है, जहाँ पर x माइनस 2 है, और हमारे पास कितना है, x माइनस 1 है, ठीक है। और इसे थोड़ा सॉल्व करना, ऐसे मत करना है कि इसे ओपन कर लेना, फिर आपका डिफिकल्ट होगा, जहाँ से 3 कॉमन निकालेगा x माइनस 1, सो माइनस x माइनस 2 एक्स माइनस 1, इन दोनों में से x माइनस को कॉमन निकालना, मैं इस तरह से समझा रहा हूँ जैसे बच्चों को समझाते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा है कि हमें ये अच्छे से करना, तो यहाँ पर माइनस x माइनस 2 हो जाएगा, तो आपके पास x माइनस 1 बचेगा, और जहाँ से 3 माइनस x प्लस 2 हो जाएगा, सो दैट इज़ x माइनस 1 तो बचेगा साथ में, और कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 माइनस x हो जाएगा आपके पास, ठीक है। सो इसका आंसर यहाँ पर आएगा x माइनस 1 इंटू आपके पास होगा 5 माइनस एक्स, एक बार देख लेते हैं कि आपको दिखा देता हूँ, मैं बोल देता हूँ x माइनस 1 इंटू 5 माइनस एक्स, ओके दिस इज विजिबल। तो हमने r 3 की वैल्यू फाइंड कर ली, अब r 4 के पास चलते हैं, r 4 का ऑपरेशन बेटा जी हमारे पास j है, इनके आंसर भी सेम करेंगे, तो आपको पता है एक तो हमारे पास कितनी आएगी, 0 आएगी, उस 0 को लिख लेते हैं डायरेक्ट, जस्ट अ मिनट, तो एक हमारे पास आएगा यहाँ पर
ये पोजिशन तो आपकी जीरो होगी, बिकॉज इसको आपने x माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है, इसको टू से करना है इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, तो दिस विल बी जीरो। लेकिन हमें इस वैल्यू को फाइंड करना, तो जहाँ पर हमारे पास कितना है माइनस का, अरे वाह सिंपल हो गया जी। तो हमारे पास जहाँ पर हमारे पास कितना आर टू को अपने टू से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मैं फॉर्मूला ले लेता हूँ टू आर फोर माइनस एक्स माइनस वन इंटू आर टू। पोजिशन देखिए कौन सी, नंबर कौन सा है, यहाँ पर टू इंटू माइनस सिक्स माइनस का एक्स माइनस वन, और आर टू की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस की थ्री है। तो ये आपका माइनस का ट्वेल्व बच जाएगा, जहाँ पर माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स हो जाएंगे, और फिर आपके पास माइनस का थ्री होगा। सो दिस इज थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन, दैट इज थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव आपके पास बच जाएगा। सो दिस इज वॉट थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव हमारे पास होगा। तो ये पोजिशन हो चुकी, अब इसे फाइंड करना, इसे करने के लिए हमें जहाँ पर क्या करना पड़ेगा 2 इंटू आर फोर। अभी आपके पास क्या है 2 इंटू आर फोर की वैल्यू कितनी है 2 x माइनस टू है, और हमने क्या करना है माइनस, जहाँ पर x माइनस वन तो है और आर टू की वैल्यू कितनी वो भी हमारी x माइनस वन है। अरे वाह कैसे करेंगे, थोड़ा सा वेट करिएगा, जहाँ से 2 को कॉमन निकालो x माइनस वन आ जाएगा, फिर से इसको भी एज इट रहने दो, फिर से एक x माइनस वन को कॉमन निकालिए, 2 इंटू टू फोर हो जाएगा, जहाँ पर एक तो कॉमन आ चुका तो एक आपके पास x माइनस वन बचेगा, तो माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा। सो दिस इज x माइनस वन एंड 4 प्लस वन फाइव माइनस एक्स आपके पास हो जाएगा। सो इसका आंसर आएगा x माइनस वन इंटू फाइव माइनस एक्स। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ तक इसको डिस्कस कर लिया है, अब और क्या कर सकते हैं इसके आगे हम। ठीक है, तो अभी तक हम जहाँ तक पहुँच चुके हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इस 2 के साथ इन दोनों को तो जीरो कर दिया, इस 2 के साथ इन दोनों को जीरो करेंगे। इन दोनों को करना वो काफ़ी आसान सा होता है, इतना लिख लो पहले ध्यान से, ठीक है प्यार से, तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं, फिर हम जहाँ पर आ जाएंगे ऑपरेशन वहीं पर लिख देते हैं। अब इसे C3 पर करना है, तो कैसे करेंगे इसे, क्या करेंगे हम अपने ओर से ऑपरेट करना चाहते हैं इस नंबर के साथ, तो हाउ टू, ओके यहाँ पर सिंपल है, आपके पास है ना कॉलम टू है, जहाँ पर आप वन बना सकते हो, तो वन के साथ इजी हो जाएगा। तो आप क्या करो, एक ऑपरेट कर लो कि हमने सी टू है हमारे पास, इसको वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर लो सी टू, तो आपके पास न्यू मैट्रिक्स बन जाएगी, वो ऐसी हो जाएगी। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी थोड़ा सा ईजी कर लेते हैं, वन जीरो 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 हो जाएगा, एंड जीरो जहाँ पर वन आ चुका है, माइनस थ्री है, एक्स माइनस वन है, जीरो है, जीरो है, टू इंटू एक्स माइनस फाइव है, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फाइव है, एंड यहाँ पर फिर से हमारे पास जीरो है एंड जीरो है, थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव है, एंड x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फाइव है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब इस वन के साथ इन दोनों को जीरो कर सकते हैं, तो आपके पास जस्ट सी थ्री के ऊपर सी थ्री, और इसे थ्री से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, एंड सी फोर के ऊपर क्या करेंगे, सी फोर एज इट, और इसे माइनस कर दो x माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये दोनों नंबर जीरो हो जाएंगे। सो ऑपरेशन ध्यान से कर लेना, कोई मेरी गलती भी होगी उसे बोलना मत, खुद से ही कर लेना। ठीक है, क्या बन जाएगा, अरे बात ये तो काफ़ी लेंथी चल रहा है क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, किसी का कोई डाउट होगा तो वो हो जाएगा, भला हो जाएगा किसी का, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, और टू इंटू एक्स माइनस फाइव है, यहाँ पर थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव है, और यहाँ पर x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फाइव है, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फाइव है। ठीक है, अब हमने इतना कर लिया, अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या होता है कि हमने इस नंबर के साथ इसे जीरो करना होता है और इसे जीरो करना होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस नंबर के साथ, एक गलती बिल्कुल मत करिएगा, जहाँ पर x माइनस फाइव के साथ डिवाइड करने की गलती मत करिएगा। जब हम ना किसी नंबर से साथ डिवाइड करते हो तो वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि हमने इसके साथ 2 के साथ डिवाइड कर दिया, तो 2 के साथ डिवाइड क्यों कर पाए, बिकॉज 2 इज़ अ नॉन जीरो नंबर। आप x माइनस फाइव को कॉमन निकाल कर जहाँ पर इक्वलेंट हम करें तो हम डिवाइड नहीं करें। ठीक है, आप उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जिसके बारे में हमें पता होगा। ठीक है, कि इट इज़ अ नॉन जीरो नंबर, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिवाइड, बिकॉज जहाँ पर हमने डिस्कस करना फॉर ऑल वैल्यूज, तो कहीं ना कहीं x 5 भी होगा, तो 5 माइनस 5 जो जीरो बनने के चांसेस हैं, हम रैंक करना चाहते हैं जहाँ पर। ठीक है, तो इतना जहाँ पर आप कर लीजिएगा। अब क्या होगा नेक्स्ट, हमें इस नंबर के साथ इसे जीरो करने की कोशिश करेंगे और इसे जीरो करने की कोशिश करेंगे, दैट इज सॉल्व आउट। कैसे करेंगे, दोनों का कॉफिशेंट सेम कर लेते हैं, बड़ा सा ईजी सा ऑपरेशन है जहाँ पर। तो कैसे करेंगे हम इसे, r 4 है
तो क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसे 3 से कर लो, तो 2 इंटू आर 4 माइनस इसे नहीं, ठीक है इसे 3 से कर लेंगे, 3 इंटू आर 3, तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, एक ही ऑपरेशन लगेगा जहाँ पर। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास कौन सा आंसर आएगा जहाँ पर, तो जे फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए, हमें इसे फॉर ऑल वैल्यूज़ के लिए डिस्कस करना, वो माइंड में रखिएगा, ठीक है। अरे भाई एक एग्जांपल इतना टाइम ले रही है, कोई बात नहीं, लेकिन इस एक एग्जांपल के साथ हमारी सेकंड एक्सरसाइज कवर हो जाएगी जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं। तो क्या होगा, इसे 2 से करेंगे हमारे पास, तो जे 6 बन जाएगा, और जे भी 6 तो जे तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स होगी दैट इज इक्वल टू 1 0 0 0 एंड 0 1 0 0 0 0 हमारे पास बन चुकी है। अब ध्यान से देखना, आप इसे तो एज इट लिखने दीजिए, लिख दो, ठीक है, जहाँ पर 0 है एंड जे नंबर 2 एक्स माइनस 5 है एंड दिस नंबर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 है। अब जे नंबर हमने 0 बना चुके हैं, ठीक है, पहले देख लो कि साइड्स बाहर तो नहीं जा रही, एक मिनट जस्ट हम इसे घुमा लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है, हमारी मैट्रिक्स बाहर चली गई थी, ओके, तो हमने क्या करा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो 6 बन गया, इसे 3 से करा 6 बन गया, दोनों माइनस हो गए, लेकिन जहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान से सुना जहाँ पर, तो अभी क्या करना, आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई करो और इसे 3 से, दोनों सेम ही तो है, तो 2 इंटू दिस 2 जे हमारे पास, ये तो कॉमन आ जाएगा 2 माइनस, तो माइनस का साइन बच जाएगा, तो ये आपके पास माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 5 आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो हमने जहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप इस नंबर से इसे माइनस कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग क्या कि आप जहाँ पर माइनस का इसको जस्ट ऐड कर दो, जो आपके पास 0 हो जाएगा, तो किसी ना किसी तरह से हमने मैक्सिमम 0 बनानी है, तो दिस इज द सिंपल कि आप इसे जहाँ पर ऐड कर दो आपका वो सही रहेगा, ठीक है, ऑपरेशन हम रो ऑपरेशन की हेल्प ले लेंगे, ठीक है, ओके, ये हमारा बेस्ट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर 4 को ऐड कर देंगे, आर 3 पर लगाएंगे ऑपरेशन, दैट इज आर 3 पर आर 3 प्लस आर 4 कर दो, जहाँ पर 0 0 का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है, और वो उसे 0 कर देगा। सो हम ऐसा करने वाले, आपकी बुक में कैसा भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यदि मेरी कोई मिस्टेक नहीं है तो ऐसे चल सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 को कॉमन लेकर वहाँ पर करा था, और बुक के अंदर यहाँ पर 2 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जी आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस 5 है, जैसे आपने इसको जहाँ पर ऐड करा वापस, तो हमने सही करा ना, तो एक बार देख लो सही करा, इसे मैंने 2 से करा था मल्टीप्लाई, इसे 3 से, तो जो सही चला था तो सही है, यहाँ पर 0 बन जाएगी ऑटोमेटिक, तो जहाँ पर 0 0 0 है और जहाँ पर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 है। अब आप इससे ज़्यादा 0 नहीं बना पाते, जहाँ पर है कर्ली ब्रैकेट नहीं है, जो तो मेरा स्टाइल्स है लिखने का, तो ये ब्रैकेट है, यहाँ पर देखिएगा, अब आप इस नंबर को कभी 0 नहीं कर पाएंगे, इसे कभी 0 नहीं कर पाएंगे, तो दिस इज द फाइनल टास्क का जो हमारे पास हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। आपकी बुक में जहाँ पर 1/2 होगा, उन्होंने किसी ना किसी नंबर को कॉमन लिया होगा, मेरे को भी आइडिया नहीं उन्होंने कैसे करा होगा जहाँ पर 1/2 उनका कैसे आ गया होगा, सो हम जहाँ पर ऑपरेशन की देख भी लेते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तो 4 उन्होंने 3/2 उन्होंने किसी और तरह से करा, हमने किसी और तरह से करा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फाइनल टच को, और सो दिस इज द मैट्रिक्स, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं, तो डिस्कशन कैसे करनी है, अब इसका रैंक आपने डिसाइड करना। अब देखिएगा, यदि आप एक्स को 1 लेते हैं किसी तरह से, इफ हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 1, देखिए क्या होगा, जब आप x को 1 लेंगे तो जहाँ पर 1 पुट करें x को, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो आपकी j एंट्री भी 0 हो जाएगी, लेकिन जहाँ पर 1 पुट करने पर आपका 1 माइनस 5 माइनस का 4 होगा, जो माइनस का 8 बन जाएगा। सुनना ध्यान से, जैसे x को 1 करा, j एलिमेंट 0 हो गया, तो जो पूरी की पूरी रो खत्म होगी, जहाँ पर सारी 0 हुआ, तो आपके पास क्या बचेगा, जहाँ पर 1 1 और जहाँ पर माइनस 8, तो इन दैट टाइम आपके पास एक 3/3 का माइनर बचेगा, जो कि नॉन जीरो होगा। 3/3 का माइनर नॉन जीरो क्यों होगा, बिकॉज उसके डायगनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है। 3/3 मैट्रिक्स हैविंग डायगनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, तो उसका जो रैंक, उसका जो माइनर होता है, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डायगनल एलिमेंट होता है। तो हमारे पास रैंक क्या होगा, जब x इतना है, तो देयरफॉर इफ दिस, तो देन हमारे पास क्या होगा, आप लिख देना रैंक ऑफ a कितना होगा हमारे पास, 3, आपको समझ में आ गया होगा, ये एक चॉइस है। और दूसरी चॉइस की, इफ हम x को 5 कंसीडर करते हैं, देखो x की हमने सारी की सारी वैल्यू डिस्कस करनी है, तो पहले हमने 1 करा तो रैंक 3 आ रहा है, यदि हम x को 5 कंसीडर करते हैं तो जहां पर पुट करें 5 माइनस 5, ये 0 बन जाएगा, जहां पर x को 5 पुट करें ये भी 0 बन जाएगा। सो यदि 5 लेते तो आपका ये भी 0
और ये भी जीरो हो जाएगा। इन दैट केस आपके पास 4x4 का माइनर भी जीरो होगा, 3x3 का एलिमेंट जीरो होने के कारण वो भी जीरो हो जाएगा, एंड यू लेफ्ट विद ओनली 2x2 माइनर जो कि नॉन जीरो होगा। सो देन आपका रैंक कितना होगा हमारे पास, देन रैंक ऑफ ए कितना होगा हमारे पास, 2 होगा। और उसके बाद क्या होता है, एंड हम जहां पर लिख देते हैं एंड फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू 4 होगा। रीजन बिहाइंड दैट पहले दे लेता हूं कि यदि विजिबल है हमारे पास, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू 4 होगा जैसे विजिबल है। आप कोई भी और वैल्यू कंसिडर करें, कोई भी, मान लो आपने x को 6 करा, जब आप x को 6 करेंगे जे आपका नॉन जीरो रहेगा, जे भी आपका नॉन जीरो रहेगा, तो 4x4 का डायगनल आपके पास है नॉन जीरो, तो रैंक 4 आएगा। आप जीरो कर लो नॉन जीरो, हम यदि कोई और नंबर लेते हैं तो जो ऑलवेज नॉन जीरो रहेंगे तो पूरे का पूरा डायगनल नॉन जीरो एलिमेंट का होगा, तो आपके पास 4x4 का माइनर होगा जिसका जो कि वैनिश नहीं होगा, तो रैंक उसका 4 आएगा। अदरवाइज हमने डिस्कस करा कि किसके ऊपर ये जीरो बन सकता है, 1 के ऊपर वो डिस्कस करा, तो सिर्फ जे वन बना था, 5 के ऊपर बन सकता तो जो दोनों जीरो बने थे, तो इन दैट केस 2x2 माइनर था। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, तो जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था जिसको हमने टैकल करा, तो जहाँ पर हमने इसे ऐसे करा तो हमारा आंसर ऐसे चला गया। बुक के अकॉर्डिंग वो क्या करा होगा उन्होंने, जहाँ पर उन्होंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा होगा, 2 से डिवाइड करा होगा, ठीक है, तो बिकॉज 2 को हटाकर 3 से उसके अकॉर्डिंग 0 बना दिया। सेम ऐसा करा होगा 3/2 होता 1.5, तो यदि आप 1 से 1.5 को माइनस कर, तो आपके पास माइनस का 0.5 आएगा, दैट इज माइनस का 1/2 जो कि आपकी बुक में शो हो रहा है, लेकिन हमें कोई भी दिक्कत नहीं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस माइनर, वी आर गोइंग टू डिस्कस द रैंक ऑफ द मैट्रिसेस, एंड बाय टेकिंग द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एट एवरी पॉइंट, दिस इज द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एंड गिविंग द सेम रैंक, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो कैसा लगा, गिव लाइक एंड शेयर, एंड इसके साथ एक्सरसाइज कवर होती है, 2 क्वेश्चन आपको लिखूंगा जिनका रैंक आपने नीचे बताना है। बहुत अच्छे से आंसर दिया सभी बच्चों ने, लास्ट जो वीडियो थी उसके ऊपर सारे आंसर आ चुके हैं, मैं देखता हूं, लेकिन शायद मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैंने आपके रिप्लाई करें, लेकिन मैं करूंगा जरूर जैसे मेरे पास टाइम आएगा। लेकिन यू आर डूइंग, वो कमेंट रीड करने का मीनिंग होता है कि आप वर्क करते हो, आप मेहनत करते हो, आप सॉल्व करते हो, तो मुझे भी मेहनत करनी है। कल वीडियो डाली थी, आज फिर से वीडियो मिलेगी यदि आप आंसर करते हो, और आज आंसर करते हो तो कल को फिर से वीडियो मिलने के चांसेस हो गए 90%, ठीक है, तो ऐसे ही हम करेंगे। तो लेट्स सी द व्हाट इज द होमवर्क, आज का होमवर्क हमारे पास क्या है, एक 4x4 की मैट्रिक्स है, एक 4x5 की मैट्रिक्स है, इन दोनों को आपने आंसर करना है, ध्यान से कर लीजिएगा रैंक कितना आएगा। मेरे को बच्चे बाद में पूछते हैं ना कि इसका आंसर क्या, तो मैंने आज बता दिया कि इसका रैंक आपने चेक करना है, इसका रैंक आपका 3 आ सकता है, इसका रैंक आपका 4 आ सकता है, मीनिंग वन काइंड जी आंसर ही आपके 3 और 4। और आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, ध्यान से करना, जे 4x5 का है तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगी इसके अंदर, और इसका रैंक वैसे तो आप डायरेक्ट लिखेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो रैंक होता है वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ व्हाट 4x5, लेकिन आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन के साथ करना है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर आपके पास डायगनल बन जाएगा 4x4 का जो कि नॉन जीरो हो सकता है, इसके अंदर आपके पास 4x4 का डायगनल नहीं बनेगा, तो किसी तरह से कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हो जाएगी आपके पास, तो वो आपका रैंक वहाँ पर 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने उतनी ही ईमानदारी के साथ, उतनी ही शिद्दत के साथ वैसे ही आंसर करने, और मेरे को वैसे ही कमेंट बॉक्स में लिखना कि पहले का आंसर हमारा 3 आ चुका है, यस सर, सेकंड का आंसर 4 आ चुका है, यस सर, और नीचे लिखना है थैंक यू वाहेगुरु, ठीक है, थैंक यू वाहेगुरु आप लिख सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कि थैंक यू वाहेगुरु, तो वही हमें सब कुछ देता है, तो मतलब भगवान जो भी आपके पास है, गॉड है जो हमारे पास, उसी की देना सब कुछ, तो बस उसका आप थैंक यू करते रहेगा, सब कुछ हमें मिल जाएगा जो भी हम चाहेंगे लाइफ में। तो एक चीज़ और बताता हूँ, एक बच्चा मेरे पास बहुत इंटेलिजेंट है, उसको मैं बताता हूँ, और आप सभी इंटेलिजेंट है, यू ऑल आर द मतलब टॉपर्स हो सारे के सारे, ठीक है, अपने माइंड में टॉपर बन जो, ये नहीं होता कि आपको क्लास में है या कहीं पर है, अपने माइंड में खुद टॉपर बन जो, बस वैसे फीलिंग आई बादशाह वाली, ठीक है, इसमें आएगा जहाँ पर इसका रैंक 3 आता, कोई बंदा इसको ऑब्जर्व करता है और वही बता सकता है कि इसका रैंक 3 क्यों आएगा, ध्यान से देखना, इसके अंदर कुछ दिखाई दे रहा है आपके पास, मैंने पहले नहीं देखा था लेकिन अभी आपसे बात करते करते मेरा ध्यान गया, जहाँ पर देखिए 1 है, जहाँ पर 2 है, जहाँ पर 1 है 2 है, 2 है 4 है, 3 है 6, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास 4 जहाँ पर कॉलम है, दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ फर्स्ट कॉलम, तो आप पहले ऑपरेशन में क्या कर दो, इस पूरी कॉलम को आप पहला ही ऑपरेशन ये लगा देना कि C4 है और -2 × C1 करके देखना, तो जैसे आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो जो आपके पास पूरी की पूरी कॉलम जीरो हो जाएगी,
और जब आपके पास मेरे प्यारे बच्चों किसी भी मतलब डिटर्मिनेंट करते हो उसके अंदर एक कॉलम जीरो बन जाती तो उसका रैंक तो आंसर तो जीरो आएगा, इसका मीनिंग 4x4 का तो जीरो हो जाएगा एक स्टेप के अंदर। फिर ये 3x3 इसके ऊपर आपको वर्क करना है, इसके अंदर आपके पास क्या बच जाएगा जो रिमेनिंग होगा उसके अंदर आपके पास 3x3 का ही मिलेगा। बिकॉज यदि एक लाइन जीरो हो जाती है देन यू लेफ्ट विद वर्ड 4x3 टाइप, तो आप इस तरह से लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, उसके अंदर 3x3 का माइनर ही जनरेट हो पाएगा। करिएगा कैसे भी करना, आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया कि हम देखकर कह सकते थे कि इसका रैंक 4 तो नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पर जो कॉलम 4 है वो डिपेंड करता है कॉलम 1 पर, और जब भी इसके अंदर डिपेंडेंसी आती है तो आपके पास जो रैंक अब उतना नहीं आता, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल आगे आके करेंगे वेक्टर डिपेंडेंस, वेक्टर इंडिपेंडेंस, तब हम उन सभी वेक्टर्स को अपनी मैट्रिक्स के साथ भी लिंक करेंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं, डोंट फॉरगेट टू जो आप करते हो आपने लाइक करना है वीडियो को, आप शेयर करें एक प्यारा सा अच्छा सा सुंदर सा अंग्रेजी के अंदर और जब पंजाबी के अंदर या फिर हिंदी के अंदर एक छोटा सा कॉमेंट लिख कर जाइएगा, अच्छा लगेगा। जो बच्चे और आएंगे उनके लिए आप एक मोटिवेशन बन सकते हो, इंस्पिरेशन बन सकते हो, और मेरे लिए आप एक सुकून हो सकता है। दैट इज़ अ उस कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे को लगता है बहुत अच्छे हैं बच्चे काफ़ी जो बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। सुशांत ने अच्छा मैसेज किया था, गुरसिमर बहुत अच्छा लिखते हैं, अमनप्रीत अच्छा लिखते हैं, भवन भी अच्छा लिखते हैं, प्रीत भी अच्छा लिखती हैं, तो सारे काफ़ी स्टूडेंट जिनके नाम मेरे माइंड में चलते रहते हैं, यार ये स्टूडेंट कितना अच्छा लिखते हैं, कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो मेरे अंदर से आता है कि यार हमें और करना है इनके लिए, मुझे और करना है इनके लिए। तो बस आप ऐसे ही अपना प्यार शो करते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू, फिर जिनका नाम नहीं लिया वो बुरा मत मानिएगा, आप और अच्छा लिखेंगे, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ।